वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग यूनिवर्सिटी। सो आज का हमारा टॉपिक है फाइब्रॉइड ट्यूमर्स। तो जैसा कि इसका नेम साउंड कर रहा है ट्यूमर, जैसे आप लोग ऑलरेडी फैमिलियर हो ट्यूमर के बारे में, फाइब्रॉइड का मतलब भी होता है ट्यूमर, एक नॉन कैंसरस ट्यूमर। फाइब्रॉइड का मतलब होता है एक ऐसा ट्यूमर, एक ऐसी सिस्ट आप बोल सकते हो, एक ऐसी ग्रोथ बोल सकते हो जो कि नॉन कैंसरस है, ठीक है, कैंसरस नहीं है। So, अब हम देख रहे हैं फाइब्रॉइड ट्यूमर्स आर बिनाइन ट्यूमर्स। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि नॉन कैंसरस ग्रोथ हो जाती है कहाँ पर, यूट्राइन कैविटी के अंदर, तो वो कैसी होगी, बिनाइन होगी। बिनाइन मतलब नॉन कैंसरस, नोट डाउन कर लीजिएगा, बिनाइन का मतलब होता है नॉन कैंसरस। आपने दो वर्ड स्टडी किए होंगे, बिनाइन और मेलिग्नेंट, जब आपने कैंसर का टॉपिक स्टडी किया होगा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में। सो बिनाइन का मतलब होता है नॉन कैंसरस, मेलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है वो कैंसरस ट्यूमर होते हैं, मतलब एक ऐसी ग्रोथ जो कैंसरस हो उसे हम मेलिग्नेंट बोलेंगे, मेलिग्नेंसी भी बोल देते हैं हम कैंसर को। सो नेक्स्ट देख रहे हैं एक ऐसा ट्यूमर जो कि क्या है, बिनाइन है, नॉन कैंसरस है, अराइजिंग इन द मायोमेट्रियम। अब देखिए, आई होप कि आपने यूट्रस की एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑलरेडी स्टडी की हुई होगी, कितनी लेयर्स होती है, लेयर्स के क्या नाम होते हैं, तभी आप फाइब्रॉइड का टॉपिक यहाँ पर स्टडी कर रहे हो। तो इतना डिटेल में मैं नहीं बताने वाली हूँ, बिकॉज अगर मायोमेट्रियम मैं बताने लग जाऊंगी यहाँ पर तो आपका फाइब्रॉइड ट्यूमर का टॉपिक पढ़ने का कोई फायदा नहीं है अभी इस टाइम पर। सो देखिए, मायोमेट्रियम में क्या हो जाएगी, एक एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है टिश्यू की, ठीक है, और जो कि क्या है, बिनाइन है, नॉन कैंसरस है, विच कैन प्रोट्रूड इनटू द यूट्राइन कैविटी। यूट्राइन कैविटी में भी वो प्रोट्रूड कर सकती है, प्रोट्रूड का मतलब यूट्राइन कैविटी में भी वो एक एक बल्जिंग स्ट्रक्चर आपको नजर आ सकता है जिसे हम बोल रहे हैं ट्यूमर, एंड अल्ट्रासोनोग्राफी में ये शो हो जाएगा। ओके, सो अब हम बात करते हैं ग्रोथ ऑफ ट्यूमर की, कि ग्रोथ किस तरीके से हो सकती है, ग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स, ट्यूमर्स की ग्रोथ कैसे हो जाती है। सबसे पहली बात आपको जो नोट डाउन करनी है वो है कि जो ट्यूमर्स होते हैं ना, ट्यूमर्स ये एस्ट्रोजन डिपेंडेंट होते हैं, एस्ट्रोजन डिपेंडेंट, ठीक है, जो ट्यूमर्स होते हैं वो एस्ट्रोजन डिपेंडेंट होते हैं। अब अगर एस्ट्रोजन डिपेंडेंट है, जैसे जैसे एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होगा वैसे वैसे ट्यूमर का साइज भी इंक्रीज हो जाएगा। अब एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज कब होगा, फॉर इंस्टेंस की वुमेन प्रेग्नेंट है, अब इन द प्रेग्नेंट स्टेट क्या हो रहा है, एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हो रहा है। अब जैसे एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होगा वैसे ही ट्यूमर की ग्रोथ भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, सो एक तो ये कारण हो गया। सेकेंड हम बात कर लेते हैं कि अगर मीनार्क है, मतलब इसे हम क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट साइन ऑफ, बताइए, फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है, इन फीमेल्स। तो मीनार्क अगर है, जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जब एक गर्ल को आता है उस टाइम को हम बोलते हैं मीनार्क, एंड इस टाइम पीरियड में क्या होता है, हमारे हॉर्मोन्स बहुत ज्यादा बोल सकते हो पीक पर होते हैं, पीक से हॉर्मोन्स हमारे इंक्रीज हो रहे होते हैं, सिक्रीट हो रहे होते हैं बॉडी में, तो इस टाइम पर भी ट्यूमर की ग्रोथ हो सकती है एक बिनाइन ट्यूमर की। एंड जब अगर मीनोपोज आ जाता है, मीनोपोज मतलब सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन, सेसेशन का मतलब स्टॉपेज, सेसेशन का मतलब क्या होता है, स्टॉपेज, मेंस्ट्रुएशन का स्टॉप हो जाना, उस टाइम पे क्या होगा, अब ये सब काम जो भी हो रहा था ये सब बंद हो जाएगा, कोई हॉर्मोन सिक्रीट नहीं हो रहे, तो इम्बैलेंस भी नहीं हो पाएंगे, तो मेनोपॉज के टाइम पे क्या होगा ना, ट्यूमर की ग्रोथ नहीं होती, रुक जाती है, अगर हो भी रही होती है तो वही के वही ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। ओके, अब ट्यूमर हमारा जो है क्यों ग्रो कर रहा है, हॉर्मोनल इम्बैलेंस से, हॉर्मोनल इम्बैलेंस से। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ट्यूमर की ग्रोथ तब भी हो सकती है जब स्मूथ मसल सेल्स प्रोलिफरेट कर जाए, ठीक है, स्मूथ मसल सेल्स, देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं ना, आप लोगों ने, मैंने पहले ही बोला है, एमएसएन आपने स्टडी की होगी तभी आप गायनी का टॉपिक स्टडी कर सकते हो, तो एमएसएन स्टडी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
स्टेप बाय स्टेप करके ही आप लोग यहाँ तक पहुंचे हैं ना, तो इसलिए मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ये सब आप ऑलरेडी जानते हैं, स्मूथ मसल सेल्स के बारे में, मायोमेट्रियम के बारे में, बिनाइन ट्यूमर आपने ऑलरेडी आप इन वर्ड से फैमिलियर हो, दैट्स व्हाई मैं इतना डीपली आपको नहीं बता रही हूँ, ठीक है। अभी आपको फोकस करना है ओनली फाइब्रॉइड के टॉपिक पे। ओके, स्मूथ मसल सेल्स की अगर हम बात करें, अगर इनके प्रोलिफरेट कर जाते हैं उस वजह से भी क्या हो सकता है, ट्यूमर की ग्रोथ हो सकती है। और जो ट्यूमर की जो ग्रोथ है वो कितने सेंटीमीटर बढ़ती है, 1 to 2 सेंटीमीटर पर ईयर बढ़ती है, ठीक है। बहुत ही स्लोली ग्रोथ होती है, 1 to 2 सेंटीमीटर पर ईयर से ग्रोथ होती है। ओके, तो आई होप आपको यहां तक का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें हमें कौन कौन से ऐसे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस शो होंगे, कौन से ऐसे क्लिनिकल फीचर्स शो होंगे जो हमें ये इंडिकेट करे कि वुमेन को क्या है, फाइब्रॉइड है। ओके, सो उससे पहले हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फाइब्रॉइड्स। सबसे पहले आता है इंटरस्टीशियल और इंट्राम्यूरल। तो आप इस तरीके से लर्न कर सकते हैं, इंट्राम्यूरल ये भी है एम से, तो ये मायोमेट्रियम में राइज होगा, ठीक है। इस टाइप का जो फाइब्रॉइड है ये मायोमेट्रियम में राइज होगा, इसलिए हम इसे बोल रहे हैं इंट्राम्यूरल। और इसके जो इंसिडेंस है वो रहता है 75%, इसका इंसिडेंस कितना रहता है 75%, ठीक है। सो डायग्रामेटिकली भी हम देख लेते हैं, देखिए ये वेजाइनल वॉल्ट है, यहां से आगे है हमारी यूट्राइन कैविटी, ठीक है। तो ये मायोमेट्रियम अराइज होगा, तो इस टाइप का जो ट्यूमर है ये यहां पर होगा मायोमेट्रियम में, ठीक है। इसे हम बोल रहे हैं इंट्राम्यूरल, IM। ओके, सब सीरियस और सब पेरिटोनियल। तो जैसे इसका नेम साउंड कर रहा है पेरिटोनियल, तो ये कहां पर प्रोट्रूड कर जाएगा, ठीक है, पेरिटोनियल कैविटी में, तो ये यहां पर प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो ट्यूमर है सब पेरिटोनियल फाइब्रॉइड या फिर सब पेरिटोनियल ट्यूमर, अगर इस ट्यूमर के साथ पेडिकल है, ठीक है, पेडिकल है, तब हम इसे क्या बोलते हैं, पेडंक्यूलेटेड ट्यूमर। देखिए इस तरीके से अगर एक पेडिकल है उसके बाद ये ट्यूमर है तो हम इसे बोलेंगे पेडंक्यूलेटेड ट्यूमर, पेडंक्यूलेटेड ट्यूमर। ओके, इसका जो इंसिडेंस है रहता है 15%। नेक्स्ट है सब म्यूकोजल, इसका भी जैसे नेम साउंड कर रहा है ये कहां प्रेजेंट होगा, म्यूकोजा में, इनटू द यूट्राइन कैविटी में, तो ये कहां रहता है, बीनीथ द एंडोमेट्रियल लेयर, बीनीथ द एंडोमेट्रियम, ठीक है। कहां रहेगा ये, बीनीथ द एंडोमेट्रियम, तो ये कहां प्रेजेंट होगा, ये यहां प्रेजेंट होगा, मतलब ये मायोमेट्रियम है, ठीक है, अब ये यहां प्रेजेंट है बीनीथ द एंडोमेट्रियम, इसे हम बोल रहे हैं सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। अभी जो मैं आपको टॉपिक जो आपको करवा रही हूँ, जितने भी टॉपिक्स मैं आपको करवा रही हूँ, ये है आपके GNM के लिए एंड BSc नर्सिंग के लिए, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के लिए। अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर हम बात करें, तो उसमें ऐसा बहुत सा सिलेबस है जो कि इन टॉपिक्स पे कवर आपका नहीं होता है, ठीक है। नॉर्सेट की अगर हम बात करें, या CHO की बात करें, या ESIC की बात करें, या PGI की बात करें, तो उनमें आपका ये जो टॉपिक है वो इनफ नहीं है। ये टॉपिक किस लिए करवा रही हूँ, अगर शॉर्ट नोट में आता है 5 मार्क्स में या 10 मार्क्स में तो इम्पॉसिबल है, फाइब्रॉइड का टॉपिक नहीं आ सकता आपका, 5 मार्क्स में जरूर पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट में, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। बट इसमें आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इन एग्जाम्स में, तो वो आपके लिए ये वाला जो सिलेबस है ये इन एग्जाम्स के लिए सफिशियंट नहीं है। तो अगर आप GNM कर रहे हो, BSc कर रहे हो, पोस्ट बेसिक BSc कर रहे हो, तो आप ये टॉपिक स्टडी कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए उसमें क्या होगा ना, 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन पुट अप हुआ है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे डेफिनेशन दे सकते हो, थोड़ा सा इंट्रो दे सकते हो, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस दे सकते हो, टाइप्स दे सकते हो, डायग्नोसिस लिख सकते हो, किस तरीके से हम इसे डायग्नोस करेंगे, मैनेजमेंट आप लिख सकते हो,
प्रिवेंशन आप लिख सकते हो, तो अपने अकॉर्डिंग आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट देख रहे हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस. सो अब हम देख रहे हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस. ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देख रहे हैं फाइब्रॉइड की. तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, जो ट्यूमर है ये एसिम्प्टोमैटिक रहते हैं. एसिम्प्टोमैटिक मतलब कोई भी सिम्टम हमें शो नहीं होता है. और जो अगर हम क्लासिकल सिम्टम की बात करें जो हमें शो होगा वो है मैनोरेजिया. मैनोरेजिया इसका मतलब क्या होता है, प्रोलॉन्ग्ड एंड इरेगुलर ब्लीडिंग इसमें हमें शो होगी. प्रोलॉन्ग्ड मतलब कि अगर 3 to 4 days रहती है जो मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस है, अगर 3 to 4 days तक मेंस्ट्रुएशन हमें रहती है तो कितने दिन तक होगा ये जो टाइम इंटरवल है ये प्रोलॉन्ग हो जाएगा. हो सकता है 8 to 15 days हो, है ना. इस केस में तो क्लासिकल सिम्टम रहेगा मेनोरेजिया. अगर हम बात करें नेक्स्ट सिम्टम की तो देखिए यूट्रस रीचेस 4 to 5 months gestation size without symptoms. ये भी एसिम्प्टोमैटिक है. अब एसिम्प्टोमैटिक है साथ ही साथ यूट्रस का जो साइज है वो कितना हो जाना है, जितना गेस्टेशन के 4 to 5 months में साइज होना चाहिए उतना साइज हो जाएगा ड्यूरिंग बिकॉज ऑफ फाइब्रॉइड. इसमें प्रेगनेंसी नहीं है, ये फाइब्रॉइड की वजह से हो रहा है. नेक्स्ट है इरेगुलर ब्लीडिंग. जैसे मैंने आपको बताया इरेगुलर प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग रहेगी. मेनोरेजिया क्लासिकल सिम्टम है. डिसमेनोरिया भी मैंने बताया है. ठीक है, डिसमेनोरिया. इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी इसमें अराइज हो सकती है क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस उसमें रहता है. जैसे आपको पता है पीसीओडी में भी ओवेरियन सिस्ट हो जाती है तो उसमें भी क्या रहता है, इनफर्टिलिटी के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं. नेक्स्ट है लोअर एब्डोमिनल पेन. सो ऑब्वियस बात है पेल्विक कैविटी में ट्यूमर हो रहे हैं तो लोअर एब्डोमिनल पेन तो एग्जिस्ट करेगा ही. अगर हम इसके डायग्नोस की बात करें तो मैंने आपको टॉपिक के स्टार्टिंग में बता दिया था, यूएसजी हमें करानी होगी, अल्ट्रासोनोग्राफी. और अगर अल्ट्रासोनोग्राफी से भी हमें क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं ट्यूमर तो हम कलर डॉपलर कराते हैं. कलर डॉपलर में क्या होगा, एक्यूरेट जो इसकी लोकेशन है उसे हम इजिली लोकेट कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ कलर डॉपलर. एंड सबसे पहले हम हिस्ट्री लेंगे पेशेंट की, हिस्ट्री, आफ्टर दैट फिजिकल एग्जामिनेशन. हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, देन हम यूएसजी कनेक्ट कराएंगे एंड कलर डॉपलर हम कर लेंगे टू लोकेट द एक्चुअल लोकेशन ऑफ फाइब्रॉइड. ठीक है, हम कलर डॉपलर कराते हैं. अब अगर हम इसी मैनेजमेंट की बात करें तो हम हार्मोनल थेरेपी देते हैं. हार्मोनल थेरेपी, एंटी फिब्रिनोलाइटिक्स इसमें हम प्रोवाइड कराते हैं. नोट डाउन कर लीजिएगा, एंटी फिब्रिनोलाइटिक्स हम इसमें प्रोवाइड कराएंगे. साथ ही साथ हम इसमें प्रोजेस्ट्रॉन जो कि सॉरी प्रोस्टेग्लैंडिन सिंथेटिक इनहिबिटर्स प्रोवाइड कराएंगे. नोट डाउन कर लीजिएगा, प्रोस्टेग्लैंडिन सिंथेटिक इनहिबिटर्स हम इसमें प्रोवाइड कराएंगे. अब हार्मोनल थेरेपी हम इसलिए प्रोवाइड करा रहे हैं क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस है यहाँ पर. साथ ही साथ हम यहाँ पर गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग प्रोवाइड कराएंगे. ठीक है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग, और मैंने बताया एंटी फिब्रिनोलाइटिक थेरेपी प्रोवाइड कराने वाले हैं. प्रोस्टेग्लैंडिन सिंथेटिक इनहिबिटर्स इसमें प्रोवाइड कराने वाले हैं. अब हम हार्मोनल थेरेपी प्रोवाइड क्यों करा रहे हैं, सबसे फर्स्ट जो बात है वो ये है कि ट्यूमर की ग्रोथ बढ़ती जा रही है उसे हमें कम करना है, इसलिए हम हार्मोनल थेरेपी देंगे. साथ ही साथ क्या हो रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है यहाँ पर, ब्लड लॉस हो रहा है ना, प्रोलॉन्ग हो गया है मेंस्ट्रुएशन यहाँ पर, मैंने बताया मेनोरेजिया, तो इसके लिए भी हम हार्मोनल थेरेपी प्रोवाइड करा रहे हैं. तो देखिए अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, हार्मोनल थेरेपी हमने देख ली है. सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, ये तो हमने देखा. मेडिकल मैनेजमेंट जिसमें हमें हार्मोनल थेरेपी प्रोवाइड करानी थी, सर्जिकल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो हमें क्या करना है, मायोमेक्टमी हम कर देंगे. ठीक है, इससे हम कौन सा ट्यूमर रिमूव कर सकते हैं, सब म्यूकोसल जो कि हमारा यूट्राइन कैविटी में था बीनीथ द एंडोमेट्रियल लेयर, वो ट्यूमर हम इसमें रिमूव कर देंगे जिसे हम बोल रहे हैं मायोमेक्टमी. हिस्ट्रेक्टमी का मतलब होता है कंप्लीट रिमूवल ऑफ यूट्रस, कि जहां आपके यूट्रस में अगर मल्टीपल फाइब्रॉइड्स प्रेजेंट है तो
उस केस में हम हिस्ट्रेक्टोमी कर देते हैं, कंप्लीट रिमूवल ऑफ यूट्रस। तो आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा, फाइब्रॉइड ट्यूमर। सो कोई भी क्वेरी तो प्लीज कमेंट ऑन करना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज नर्सिंग इज एन एसटी।